चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहते हैं दिहाइयों से नाइंसाफी की वजह से बलोचों में गम गुस्सा पाया जाता है। ब्रावश की मां के कातिल गिरफ्तार न हुए तो ये इंसाफ की मौत होगी। बजट करीब आते ही तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर मुतहर्रिक। वफाकी मुलाजमीन का कल से वजारत खजाना के सामने धरने का ऐलान। रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल भी होगी। बलोचिस्तान हुकूमत के एसओपीज के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। दो सीटों पर सिर्फ एक मुसाफिर को बिठाने की इजाजत होगी। बसों में स्प्रे के साथ सैनिटाइजर लाजमी होंगे। ड्राइवर और क्लीनर के लिए मास्क लाजमी करार। एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहते हैं दिहाइयों से नाइंसाफी की वजह से बलोचों में गम गुस्सा पाया जाता है। ब्रावश की मां के कातिल गिरफ्तार न हुए तो ये इंसाफ की मौत होगी। बजट करीब आते ही तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर मुतहर्रिक। वफाकी मुलाजमीन का कल से वजारत खजाना के सामने धरने का ऐलान। रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल भी होगी। बलोचिस्तान हुकूमत के एसओपीज के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। दो सीटों पर सिर्फ एक मुसाफिर को बिठाने की इजाजत होगी। बसों में स्प्रे के साथ सैनिटाइजर लाजमी होंगे। ड्राइवर और क्लीनर के लिए मास्क लाजमी करार। एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहते हैं दिहाइयों से नाइंसाफी की वजह से बलोचों में गम गुस्सा पाया जाता है। ब्रावश की मां के कातिल गिरफ्तार न हुए तो ये इंसाफ की मौत होगी। बजट करीब आते ही तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर मुतहर्रिक। वफाकी मुलाजमीन का कल से वजारत खजाना के सामने धरने का ऐलान। रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल भी होगी। बलोचिस्तान हुकूमत के एसओपीज के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। दो सीटों पर सिर्फ एक मुसाफिर को बिठाने की इजाजत होगी। बसों में स्प्रे के साथ सैनिटाइजर लाजमी होंगे। ड्राइवर और क्लीनर के लिए मास्क लाजमी करार। एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी।